हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइस, आज के ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू टोयोटा ग्लांजा में जो फीचर एक आ रहा है आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप, इसके बारे में। अब आपको मैं बता दूं, ये जो आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप है ग्लांजा के हर एक वेरियंट में आता है, तो इसका काम क्या है, ये कैसे ऑपरेट करता है, कौन से कंडीशन में ऑपरेट नहीं करता है, ये सारी चीजें आज के ये वीडियो में हम लोग समझ लेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पूरा चैनल विजिट करिए, आपको ऐसे ही काफी सारे वीडियोस मिलेंगे जो डे टू डे बेसिस में आपको आपकी व्हीकल के फीचर्स बेटर वे में समझने में और उनको यूज करने में हेल्प करेंगे। ये देखने के बाद अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको मैं ये बटन का ऑपरेशन बता दूं, तो बेसिकली आइडल स्टार्ट स्टॉप हमारा हमेशा ऑन रहता है। कभी अगर आपको आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप नहीं चाहिए तो वही सिचुएशन में आप इस बटन को प्रेस करके थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा और आप इसे बंद कर सकते हो। तो जैसे ही आप बंद कर दोगे तो आप देख सकते हो एमआईडी के ऊपर राइट साइड में ए ऑफ करके एक ऑरेंज कलर में लाइट आ गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने इस बटन को प्रेस करके आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप को बंद कर दिया है। सिमिलरली जैसे ही आपको चालू करना है तो इसी बटन को एक बार और आप लॉन्ग प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस कर देंगे तो वो जो लाइट है वो चली गई है और आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप जो है वो एक्टिवेटेड वापिस से हो गया। अब ये कैसे एक्शन में आएगा इसके बारे में अभी मैं गाड़ी चला के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टार्ट करने के पहले वापस से मैं इसके कुछ पैरामीटर्स बता दूं। जैसे आपने एसी ऑटो में रखा है और जैसे धूप का टाइम है, गर्मी काफी ज्यादा है, तो वो केस में क्या होगा, गाड़ी एकदम जो है आपकी ठंडी करना प्राइमरी मोटो रहेगा। क्यों? क्योंकि ड्राइवर को उस टाइम पे एसी की सेटिंग के हिसाब से गाड़ी को यह समझ में आएगा कि इनको कंफर्ट चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में जब गाड़ी ने अच्छे से एसी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखा है तो आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप काम नहीं करेगा और यहां पे एमआईडी डिस्प्ले पे एक बड़ा अच्छा खासा बड़ा मैसेज आएगा, आइडल स्टार्ट स्टॉप का ग्रीन कलर का लोगो आएगा, सेम जैसा ये लोगो आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर का लोगो आएगा एमआईडी पे और वो बोलेगा आपको कि आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप इज नॉट अवेलेबल। सिमिलरली जब आप डे में फर्स्ट टाइम गाड़ी निकालते हो तो वो टाइम पे भी बैटरी गाड़ी की पूरी अच्छी तरीके से चार्ज होती नहीं है, तो वो टाइम पे भी आपको आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप जो है वो एक्शन में नहीं आएगा और यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप इज नॉट अवेलेबल। अब इसमें एक सेटिंग भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब ये सेटिंग भी आप समझ लीजिए। तो सेटिंग में जाने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टिक दिख रही है आपको, एक लीवर है, इसे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। जब इसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं एमआईडी पे इतनी सारी सेटिंग आ गई। अब हमको जाना है आईएसएसी करके जो सेटिंग है, ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसे मैं क्लॉकवाइज रोटेट करके, अभी आप देख सकते हैं मैं आईएसएसी के ऊपर आ गया। तो जब इसी लीवर को ये जो है मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गए मेरे पास। एक आ गया स्टैंडर्ड जिसपे अभी ये ऑलरेडी सेट है, दूसरा आ गया इकोनॉमी और तीसरा आ गया कम्फर्ट। तो अगर मैं स्टैंडर्ड पे रख रहा हूँ तो नॉर्मली ये गाड़ी अपने हिसाब से जैसा प्रीसेट सेटिंग है उस हिसाब से आइडल स्टार्ट स्टॉप को एक्शन में लाएगा और फिर उससे ऑटोमेटिकली डिसएंगेज भी कर देगा। लेकिन अगर मैं इकोनॉमी सिलेक्ट करता हूँ, इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि आपको बचत ज्यादा चाहिए, तो जो आइडल स्टार्ट स्टॉप का काम करने का फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी भी गाड़ी को बंद करने का बढ़ जाएगा और लॉन्ग टाइम के लिए गाड़ी बंद रहेगा। भले फिर एसी का टेम्परेचर अगर सेट भी नहीं हुआ है अच्छे से जैसा आपका रिक्वायरमेंट है तो भी गाड़ी जो लॉन्ग टाइम के लिए बंद रहेगी। सिमिलरली अगर आप कंफर्ट पे सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे अभी मैं आपको करके बताता हूँ, ये लीवर को क्लॉकवाइज रोटेट करना है, कंफर्ट पे जाके प्रेस कर देना, तो अब कंफर्ट सिलेक्ट हो गया, सेटिंग सेव हो गई। तो अगर आप कंफर्ट पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो टाइम पे गाड़ी को क्या समझ में आता है कि अब जो ड्राइवर है उनको कंफर्ट चाहिए, तो वो टाइम पे गाड़ी जो है ज्यादा टाइम तक बंद नहीं होगी, आइडल स्टार्ट स्टॉप में ज्यादा एक्टिवेट नहीं होगी। तो उससे ये समझ में आ गया कि आपको जैसा चाहिए आप उस हिसाब से आइडल स्टार्ट स्टॉप को यूज कर सकते हो। अभी मैं अगर बात करूं दूसरी कि ये एक्शन में कैसे आता है, तो उसके लिए मुझे गाड़ी जो है वो ड्राइव करना पड़ेगा और अभी मैं आपको गाड़ी ड्राइव करके बता देता हूँ। सो चलिए, अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट किया है ड्राइव करना, तो मैं आपको बता देता हूँ जब अभी मैं थोड़ी देर तक गाड़ी चलाऊंगा तो बैटरी जो है वो डिसेंटली चार्ज हो जाएगी। चार्ज होने के बाद जैसे ही मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा और क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर तीनों पैडल में से जब मैं पैर हटा दूंगा, जैसा अभी मैंने न्यूट्रल किया, तीनों पैडल में से पैर हटा दिया, अब आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में आपको एक आइडल स्टार्ट स्टॉप का लोगो आ गया। अब इसका मतलब ये होता है कि आइडल स्टार्ट स्टॉप ने गाड़ी को बंद कर दिया है। अब मुझे गाड़ी स्टार्ट कैसे करना है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अब ये सिचुएशन में जैसे ही मैं क्लच प्रेस करूंगा
अभी मैंने क्लच प्रेस किया और आप देख सकते हैं कि जो आरपीएम का मीटर है जो जीरो पे था वो वन पे आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि आइडल स्टार्ट स्टॉप जो है वो अभी डिसएंगेज हो गया और गाड़ी जो है वो चालू हो गई और जो ग्रीन कलर का आइकन था ए का वो भी अब चले गया। चलिए अभी इसमें और एक कंडीशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो हम लोग बंद कर देंगे। सो अब मैं वापिस से गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है। अब गाड़ी चलाने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसका एक सीट बेल्ट से भी लिंक है, वो भी मैं आपको बता दूं। सो सबसे पहली चीज, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए और अगर गाड़ी के डोर्स बंद नहीं है, कोई भी एक डोर खुला है गलती से, तो भी आइडल स्टार्ट स्टॉप काम नहीं करेगा। सीट बेल्ट आपने नहीं लगाया तो भी आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप काम नहीं करेगा। तो अब मैं वापिस से गाड़ी जो है उसको पार्क कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं गाड़ी को पार्क किया, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर पे से मैंने पैर हटा दिया, अब आप देख सकते हैं वापस से ए आ गया है और आइडल स्टार्ट स्टॉप की वजह से गाड़ी जो है वो बंद हो गया। बट अब मैंने सीट बेल्ट ओपन कर दिया, अब दो बीप आया, अब मैं क्लच दबा रहा हूँ तो भी मेरा गाड़ी चालू नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ और जो आरपीएम मीटर है वो जीरो पे ही है, यानी कि अब गाड़ी जो है चालू नहीं हो रहा है। बट जैसे ही मैं सीट बेल्ट वापस से लगाता हूँ और सीट बेल्ट लगाने के बाद जैसे ही मैंने क्लच प्रेस किया, अब आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो चालू हो गया। तो सीट बेल्ट से भी इसका लिंक है और अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगा रहे या सीट बेल्ट लगाए थे आपने उतार दिए तो आइडल स्टार्ट स्टॉप जो है वो बंद हो जाएगा। अब फाइनली इसका मैं आपको एडवांटेज बता दूं, तो जैसा ट्रैफिक में आप बार बार ब्रेक करेंगे, आप रुकेंगे, तो वो सिनेरियो में आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होएगा। क्यों? क्योंकि इंजन जो है वो बंद हो रहा है, तो ये एक इकोनॉमी मोड है बेसिकली, एक आपके गाड़ी का जो फ्यूल एफिशिएंसी उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर देता है। सो इसके वजह से आपको बहुत सारा फ्यूल सेविंग हो जाता है। अब अगर आपको नहीं भी चाहिए तो आप आइडल स्टार्ट स्टॉप जो है उसे बंद कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया, इसमें अगर कोई भी डाउट है आप प्लीज कमेंट करिए, मैं उसका भी आंसर आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच।